हर हर महादेव। आज हमें मुंबई के प्राचीन एवं प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में, जहां स्वयंभू शिवलिंग है, इस शिवलिंग की काफी मान्यता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग की खोज की एक रहस्यमय कहानी है जो हम आज के वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को और जानते हैं बाबुलनाथ मंदिर के बारे में। बाबुलनाथ मंदिर जाने के लिए हमने अपने होटल से ही टैक्सी करी। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने टैक्सी ड्राइवर से 4 घंटे में मुंबई की मेन जगह घुमाने को कहा। श्री सिद्धिविनायक गणपति जी के दर्शन हमने एक दिन पहले ही कर लिए थे, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। तो टैक्सी लेकर के हम निकले बाबुलनाथ मंदिर की ओर। बाबुलनाथ मंदिर मुंबई में मरीन ड्राइव के पास है। रास्ते में हमें एंटीलिया भी दिखा, जहां पर मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। मुंबई के सुंदर रास्तों से घूमते घूमते हम पहुंचे बाबुलनाथ मंदिर। बाबुलनाथ मंदिर मुंबई में मालाबार हिल्स पर स्थित है और मुख्य मंदिर सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। हम मंदिर परिसर में प्रवेश हुए और हम आगे की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले हमें एक बड़ा शंख दिखता है और उसके पास हमने गणेश जी के दर्शन करे और थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखती हैं सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ के मुख्य मंदिर तक जाया जाता है। हमने देखा कि यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था भी है, जिससे कि आप लिफ्ट लेकर के भी मुख्य मंदिर तक जा सकते हैं। किंतु हमने सीढ़ियां ली और आप देख सकते हैं कि इन सीढ़ियों के साथ साथ कपूर दीपक आदि जलाने का स्थान भी बना रखा है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर और आप देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना सुंदर है। मुख्य मंदिर पहुंचते ही सामने की ओर है गर्भगृह, जहां पर भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। बाबुलनाथ मंदिर परिसर अत्यंत सुंदर है और यहाँ काफी शांत वातावरण है। यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और प्रत्येक सोमवार यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। ये मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी खोज की एक रहस्यमय कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का अधिकतम हिस्सा पांडुरंगा नामक एक समृद्ध सुनार के पास था। पांडुरंगा के पास अनेकों गायें थीं और उनकी देखभाल के लिए पांडुरंगा ने बाबुल नाम के एक ग्वाले को रखा हुआ था। सभी गायों में से कपिला नामक गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी, किंतु कुछ दिनों से कपिला बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी, तो पांडुरंगा ने बाबुल से इसका कारण पूछा। बाबुल ने बताया कि कपिला गाय चारा चरने के बाद अपना सारा दूध एक विशेष स्थान पर गिरा देती है। ये सुनकर पांडुरंगा आश्चर्यचकित हुआ और वह स्वयं उस स्थान को देखने गया।
पांडुरंगा ने देखा कि जो बाबुल कह रहा था वह एकदम सत्य है और कपिला गाय एक विशेष स्थान पर अपना पूरा दूध गिरा देती है। तब पांडुरंगा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई और खुदाई के बाद वहां से एक काले रंग का स्वयंभू शिवलिंग निकला और तब से लेकर आज तक उस स्थान पर बाबुलनाथ का पूजन किया जाता आ रहा है। तो ये है बाबुलनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की कहानी। बाबुलनाथ मंदिर काफी प्राचीन है और ये मुंबई में एक पहाड़ी पर स्थित है जहाँ पर कई वर्षों से साधु संत आकर ध्यान तपस्या आदि करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पर शिवलिंग के अच्छे से दर्शन करे और मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद हम यहाँ से निकले। इस मंदिर में आके हमें काफी अच्छा लगा और आप भी कभी मुंबई आएं तो बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने भी श्री बाबुलनाथ शिवलिंग के दर्शन करे होंगे। हर हर महादेव। हमने अपने चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, ऋषिकेश इत्यादि के ऊपर, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।